टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मेरा शुगर लेवल लो हो गया। ओह गॉड, इस वक्त तो यही है, ये कुछ मीठा खा लें जल्दी से। जल्दी आराम से। थैंक यू। देखिए, मेरा घर सामने ही है, आप चल के कुछ देर रेस्ट कर लीजिए। नहीं थैंक यू, अच्छा नहीं लगता इस तरह से। आई एम ओके। नहीं नहीं प्लीज़, क्या अच्छा नहीं लगता? ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी, बल्कि मेरे साथ तो प्रैक्टिकली हो चुका है। एक दफ़ा चकरा के गिर गई थी, आप ही जैसी एक औरत ने आके मुझे थाम लिया था। जानती हैं, पूरा दिन उनके घर पे रही, खाया पिया आराम किया और दूसरे दिन अपने घर चली गई एक नए रिश्ते की खुशबू के साथ। थैंक यू। देखिए, ज़िंदगी में कुछ हमसफ़र बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए मिलते हैं, लेकिन उनकी यादों का दौरानिया बहुत तवील होता है। मौसम भी मुझे अजीब सा लग रहा है, हब से लग रहा है जैसे बहुत शदीद बारिश होने वाली है, और डायबिटिक पेशेंट के लिए इस मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है। आप अपने घर फ़ोन पर इत्तला कर दीजिएगा। मेरा बेटा आज रात की फ़्लाइट से आ रहा है और घर पे कोई है नहीं। तो ऐसे में तो आपको बिल्कुल इनकार नहीं करना चाहिए। आप प्लीज़ चलिए, कुछ खा पी लीजिएगा, फिर चाहें तो। थैंक यू। देखिए, आप मुझे जानती नहीं है, बचपन से मेरी एक आदत है, किसी को तकलीफ़ में देखती हूँ तो बहुत बेचैन हो जाती हूँ, ऐसे लगता है जैसे कोई मुझे चुटकियाँ भर रहा हो। आपकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए, कुछ देर रेस्ट कर लीजिए। चलिए, आई विल हेल्प यू। थैंक यू। इसे का बैग ले लो। जी, आराम से। थैंक यू। आइए जी, कदम रंजा फरमाइए मेरे गरीब खाने पे। मैंने आपसे कहा था ना, बहुत हब्स है, आज लगता है बादल खुल के बरसेंगे।
लगता है आप बेटे की वजह से बहुत परेशान हो गए। कराची में कौन सी मुसलसल बारिशें होती हैं? रुकती हैं, हटकती हैं, टूट जाती हैं। बारिशें तो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ करती थी। पूरा ढाका कागज की कश्ती की तरह पानी के लबलबाते समंदर में बह जाया करता था। आप ढाका भी रही? रही? मैं तो पैदा ही वहीं हुई हूँ। तकसीम के बाद मेरे वालिद कलकत्ता से ढाका आए थे। मैं भी शादी के कुछ महीनों के बाद ढाका गई थी। मेरा ख्याल में 15-20 दिन रहे होंगे, क्योंकि उसके बाद मेरे मियाँ की पोस्टिंग चटागोंग जो हो गई थी। फौज में थे मेरे मियाँ, 71 की जंग में शहीद भी हो गए। कमसनी में ही बेवा। चलिए वहां चल के बैठते हैं। जब भी बारिश होने वाली होती है ना, मैं यहां आकर बैठ जाती। बारिश की पहली बूंद गिरने के नज़ारे का नशा ही और होता है। कॉफ़ी का बड़ा सा मग लेकर यहाँ बैठ जाती हूँ और लता का वो गाना है ना, ओ सजना बरखा बहार आई, सुनते सुनते बहुत पीछे चली जाती हूँ। जहाँ चूड़ीदार पजामे और कली वाले कुर्ते पहनकर चुने हुए दुपट्टे ओढ़ा करती थी मैं। पजामे की चूड़ियाँ मेरी सडोल टांगों पे बहुत भली लगती थी। ये मेरा नहीं, लोगों का ख्याल था, लेकिन अब सोचती हूँ बुरा किया, बहुत बुरा किया। इतनी कम उम्री में खुद को ग्लैमर क्वीन बना के, मैं 16 की भी नहीं थी जब मेरी फयाज से शादी हुई थी। ठीक एक बरस गुजरा तो माँ बन गई, बस उसके बाद ऐसी मस्टंडी हुई कि आपके शौहर आज से कोई 10 साल, 11 साल, 11 साल पहले उसे हार्ट अटैक हुआ था। बहुत रोमांटिक आदमी था वो। इसीलिए तो फौरन उसकी सुन ली। उसकी आंखें मेरे चेहरे पे ऐसे टिकी हुई थी जैसे अभी वो मुझे मुखातिब होगा।
सर्द हाथ मेरे हाथों में थे। अचानक वो सर्द हाथ एक बर्फ का जमा हुआ टुकड़ा बन गया। इतना सर्द हाथ, मुझे यूं लग रहा था जैसे वो ठंडक मेरे हाथों में सुराख कर रही है। मर गया वो, बहुत जल्दी मगर बहुत सुकून से। मैं भी ना, आपको लाई थी कुछ खिलाने पिलाने के, कुछ भूल भाल के बैठ गई। घर में ब्राउन ब्रेड भी रखी है और बॉइल्ड चिकन भी। आई थिंक सम सैंडविचेस विद लॉट ऑफ सैलेड। यस, अभी बना के लाई। पता है बहुत फुर्ती से काम करती हूँ मैं, बहुत ही गैर इंसानी अंदाज में। बिल्कुल किसी जिन की तरह। वैसे आप इतनी जल्दी डर क्यों जाती हैं? मैं तो मजाक कर रही हूं। मेरे पास जबरदस्त गानों का कलेक्शन है। हेलो सर्वर, कैसी हो मेरी जान? बारिश क्या हुई, फॉरन लाइट चली जाती है। अभी सिर्फ 7 बजे हैं, खूब अंधेरा हो गया बाहर। आइए। वैसे कितने बजे की फ्लाइट है आपके बेटे की? 10 बजे की है, लेकिन मुझे तो पहले जाना है ना। वैसे देख लीजिए, इतनी सी देर में मैंने 3 काम किए। अपनी बेटी से बात की, आपके लिए सैंडविचेस बनाए और कॉफ़ी बनाई। वाकई आप
बहुत तेज काम करती है। बेटी आपकी इस्लामाबाद में रहती है और बच्चे या अजीज व अकारिब? बेटी इकलौती है मेरी। मेरी टीपू की तरह बेटा है मेरा। मेरी बेटी आर्किटेक्ट है, बहुत अच्छी जॉब है उसकी, लेकिन इस्लामाबाद सेटल होने का आइडिया पता नहीं क्यों मुझे इस्लामाबाद बहुत ड्राई लगता है, रूखा फीका सा, बोरिंग। दो तीन महीने में बस दो तीन दिन के लिए चली जाती, सेटल नहीं हो सकती। हालांकि मेरी बेटी बहुत इसरार भी करती है मगर नहीं। मेरा टीपू भी मुझे बहुत बुलाता रहता है ग्लासगो। मेरे पास की बात नहीं है कि मैं कराची छोड़कर चली जाऊं। कराची भी एक ऑक्टोपस की तरह है ना, जकड़ लेता है अपनी मजबूत गिरफ्त में, पीछे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। बहुत मजे के सैंडविचेस हैं। आप कॉफी पियेंगे तो आपको सैंडविचेस से भी ज्यादा अच्छी लगेगी। वाकई। वैसे मेरा बेटा टीपू जो है ना, वो भी अच्छी कॉफी का दीवाना है। वैसे मेरी बेटी है ना सरवत, मुझसे भी अच्छी कॉफी बनाती है। सरवत शादीशुदा है? नहीं। और टीपू 30 बरस का होकर भी कहता है कि आपको जल्दी क्या है मेरी शादी की। वैसे उम्र तो मेरी सरवत की भी गुजरती जा रही है, क्या करूं? मैं चाहती हूं कोई भी मिल जाए, किसी गरीब खानदान का पढ़ा लिखा बच्चा, हम सेटल करा देंगे। मतलब मेरी सरवत के साथ थोड़ा सा मसला है, बल्कि थोड़ा सा नहीं काफी बड़ा मसला है। अब कैसा प्रॉब्लम? मेरी बेटी काफी मोटी है, यूं समझ ले जितनी मैं हूं या शायद मुझसे भी ज्यादा। लेकिन आप तो मोटी बिल्कुल सेहतमंद कह सकते हैं, मोटा तो आप दिल रख रही हैं मेरा। बड़े नायाब होते जा रहे हैं आजकल के जमाने में हसास इंसान, नहीं मिलते। प्रॉब्लम तो मेरी टीपू के साथ भी है, शक्ल सूरत कद काट मुलाजमत सब बहुत अच्छी है मगर मगर हेलो सरवत से बात हो रही थी मेरी, अचानक लाइन ही डेड हो गई, पता नहीं।
60 साल होने को आए हैं इस मुल्क को आजाद हुए, मगर क्या बुनियादी सहूलतों से हम लोग महरूम हैं। सारे महकमे चोर चक्के बेईमान लोग भी, इस कौम को एक धक्का लगना था और वो लगा भी कत्तर की जंग में, मगर क्या फायदा, वही ढिटाई वही खुदगर्जी। क्या मिला मेरे शोहर को अपनी जान लुटा के, दुनिया उन्हें शहीद कहे, लेकिन क्या भाई को मार कर या भाई के हाथों मर कर कोई शहीद हो सकता है? कब से मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं फ्लाइट इंक्वायरी में फ़ोन करके पता कर सकूँ, लेकिन नॉट रिस्पॉन्डिंग। वाकई फ़ोन ख़राब होना, सड़कों पे पानी जमा होना, बरान रहमत के तहाइफ हो गए हमारे लिए। आपको पता है पिछले हफ्ते की बारिश पूरे बाथ आइलैंड को डुबो बैठी थी। वैसे आप कहाँ रहती हैं कराची में? रबानी शहर पे, 6th Street। अच्छा, अरे हाँ, वो आपके बेटे की बात अधूरी रह गई, आप कोई प्रॉब्लम बता रही थी शायद। हाँ, पैदाइशी नुक्स है उसे, जरा ऊंचा सुनता है वो। वैसे आला लगा कि उसे बिल्कुल सही सुनाई देता। So what? ये तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, लेकिन टीपू इस वजह से खासा कॉन्शियस रहता है। मैंने सरवत को बताया था आप लोगों के बारे में, बहुत खुश हो रही थी। मेरी बेटी, शी इज अ रियल पैट्रियट। आप जैसे लोगों की कंपनी बहुत अच्छी लगती है उसे। आह, शुक्र है, लगता है हमारे कोसनों ने कई ऐसे वालों की गैरत जगा दी। गुड। वैसे बाज इत्तफाकात बड़े बड़े वाकयात को जन्म देते हैं। मैंने आपकी सरवत को देखा तो नहीं है, लेकिन जाने क्यों मुझे उससे बहुत अपनाइयत महसूस हो रही है। वाकई मुझे भी टीपू बहुत बहुत अपना अपना सा और जाना पहचाना सा लग रहा है। मैं आपको टीपू की तस्वीर दिखाती हूँ, मेरे पास मौजूद है। देखे, ये है मेरा बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारा बच्चा है। He's so handsome. आंखें तो बिल्कुल वहीद जैसी हैं। वहीद? फिल्म एक्टर वहीद मुराद, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये बात मैंने पहले भी कभी सुनी। मैं ऐसा करती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, मैं जल्दी से कुछ बना के लाती हूँ। नहीं प्लीज़, नहीं, अभी तो ये सब कुछ पड़ा हुआ है, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। आपने मेरी फुर्ती तो देखी हुई है ना, एक मिनट में बना के। नहीं प्लीज़, थैंक यू। वैसे घर आपने बड़ी खूबसूरती से सजाया, बड़े सलीके से। नहीं नहीं, मैंने कहाँ सजाया, ये सब तो मेरी बेटी का कमाल है। इस घर में एक एक चीज वो अपने टेस्ट से लाई है, अपनी पसंद की। वैसे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे शिकवा और जवाब शिकवा वाली बात है, लेकिन अब यकीन जानिए कि मुझे लग रहा है कि जैसे आपकी बेटी और मेरे बेटे का टेस्ट बहुत मिलता जुलता है। सुनिए, मैंने इस दफा अपने बेटे को फ़ोन पे कह दिया था कि वो इस दफ़ा आया ना तो उसको उसकी बीवी के बगैर जाने नहीं देना मैंने। अच्छा, क्या बोला फिर?
ढिठाई से हंसने लगा। मैं सरवत की तस्वीर देख सकती हूँ? तो नहीं होती लड़कियां तो एहसास के समंदर में डूब जाने वाली गोताखोर होती हैं। क्यों समझ लेते हैं लोग उन्हें कार्टून? मैं नहीं दिखाती किसी को अब उसकी तस्वीर, खुद बता देती हूं, खुद बता देती हूं मैं हूं एक अदद मोटी बेटी की माँ। है कोई कि मैं एक मोटी बेटी की माँ हूं, बहुत मोटी। अब तो दिल चाहता है कि गलियों में सदाएं लगा। है कोई जो मेरी मोटी बेटी से शादी करे? है कोई? जोर का सैलाब आएगा। सैलाब तो आपकी आंखों में आ गया है, सभी को जलथल हो गया है। देखे मैं कोई बहुत अजीम या बहुत ही खास किस्म की औरत नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे ये गुमान है कि शायद मैं थोड़ी सी मुख्तलिफ जरूर। मुझे आपकी बेटी की तस्वीर देखनी है। बिजली तो बहुत ही ज्यादा कड़क रही है। आप डर क्यों नहीं है? I even like your room. बहुत सादा, tastefully decorated. ये भी सब सरवत ने ही किया, एक एक चीज उसकी टेस्ट की है। मुझे तो लग रहा है कि मैं आपकी सरवत की मुरीद होती जा रही हूँ। बहुत बहुत जी चाह रहा है उससे मिलने का, उसको देखने का। दिखाइए ना उसकी तस्वीर। शायद फोन आ
मेरी जान, चंदा मैं बारिश में फंस गई थी। हाँ हाँ, मैं जिनके घर हूँ वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई हैं, इनकी एक बेटी भी है। अच्छा सुनो ना, तुम यहाँ पर आओ, फिर मैं तुमसे तफसीली बात करती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें आंटी को दे रही हूँ, तुम उनसे जहाँ का एड्रेस समझ लो। जरा सा ऊंचा बोलिए। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? वतन वापसी बहुत बहुत मुबारक हो। पता है तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी बहुत तारीफें की हैं, और मैंने तुम्हारी तस्वीर भी देखी। अरे नहीं बेटा, डरूंगी क्यों, बहुत प्यारे हो तुम। अच्छा चलो, एड्रेस समझ लो। इस वक्त कहाँ हो? ठीक है, वहां से बिल्कुल सीधे आ जाओ, उसके बाद लेफ्ट टर्न करते ही पहले गेट में एंटर होके सामने वाली बिल्डिंग के सामने गाड़ी खड़ी कर देना, सेकंड फ्लोर पे। 3 आ जाओ। कैफे क्लिफ्टन पे है, कह रहे बस पहुंच ही रहा हूं। हाँ वो सरवत की तस्वीर तो दिखाई है। प्यारी है, बहुत मासूम सी है, फीचर्स कितने प्यारे हैं इसके। थोड़ी सी मोटी है तो क्या हुआ भाई, मुझे तो बहुत पसंद आई आपकी बेटी। और रह गई बात मेरे बेटे की, तो मुझे यकीन है वो मेरी बात नहीं टालेगा। बहुत हल्का फुल्का कर दिया आपने मुझे, लगता है जैसे कोई बहुत भारी पत्थर कंधों से सरक गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा था, बस छोटे छोटे हादसात बहुत बड़े बड़े वाकयात को जन्म देते। यकीन कीजिए मेरे लिए ये बहुत बड़ा वाकया। मेरे ख्याल में टीपू आ गया। नहीं नहीं, आप बैठे, मैं देखती हूँ ना। और हाँ, जाने की जल्दी नहीं कीजिएगा, डिनर साथ करेंगे ना, आपको तो पता है मैं कितनी फुर्ती से काम करती हूँ। ओके, कौन? अच्छा शेड है, बहुत ब्रांड कॉन्शियस औरत हो तुम। बड़ी बकवास सुननी पड़ी मुझे बारिश की वजह से। नफरत है मुझे तुम्हारी तरह से चबड़ चबड़ करके बोलने वाले लोगों से। वैसे तुम्हारी ट्रैजिक स्टोरी में खासा दम था, thank you।
जिंदगी में नर्म गर्म तो चलता ही रहता है। परवेज, ये LCD जहां पे पड़ा हुआ है ये उठा लेना। लेकिन इसका म्यूजिक कलेक्शन जो है वो छोड़ देना। हैप्पी 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 हैप्पी। हैव अ नाइस डे बेबी। Ha 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 ha.